नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायान के पार्ट टू के चैप्टर 8 सुनेंगे, जिसका नाम है द इनर बैटल यानी अंतर युद्ध। महासंग्राम के एक दिन पूर्व रावण माता को अपनी क्रोध के सहारे अपने वश में करना चाहता था, क्योंकि विलाप और मोहकता से उनके निकट होने में वो विफल हो गया था। कई रातों से ना सो पाने के कारण फिर से क्रोध से उसने माता पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। एक स्त्री कैसे उसे चतुराई से परास्त कर सकती थी, ये उसे सहन नहीं हो पा रहा था। उसके माया शक्ति माता को और प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। उसने इस बार और एक माया का प्रयोग करके माता को दुर्बल बनाना चाह रहा था। उसने राम की मृत्यु का दृश्य दिखाया, जिसमें श्री राम युद्ध भूमि में आहत होकर पड़े थे। माता ध्यान में बैठी थी, मृत श्री राम की छवि उनके सामने आया। वे जानती थी कि ये रावण का छल था, किंतु फिर भी उनके प्रिय की ऐसी छवि देखकर भीतर से उनका हृदय कांप रहा था। अपनी आंखें खोलकर स्थिर दृष्टि से निहारने लगे। करुणा से भरा एक मुस्कुराहट को अपने होठों पर लाकर रावण से बोले, तुम्हारे वर्षों की तपस्या, प्रार्थना, आवाहन सारे मूल्यहीन हैं। इससे तुमने कुछ नहीं सीखा। इतने मूल्यवान समय तुमने व्यर्थ कर दिया। इन वर्षों में तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते थे। भ्रम की दुनिया सृष्टि करके लोगों को छलने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, वो दुनिया जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है। रावण जोर जोर से हंसकर बोला कि वास्तविकता, मैं वास्तविकता की सृष्टि करता हूँ। मैं किसी के भी मन में प्रवेश करके कुछ भी विचार स्थापित कर सकता हूँ। माता सहमति देते हुए बोली, तुम माया विद्या में पारंगत हो गए हो, किंतु जो रचनाएं तुमने किए हैं वे सब मिथ्या हैं, असत्य हैं, जो वास्तव नहीं हैं। एक क्षण में ही इन सबको लुप्त किया जा सकता है। तुम आत्मा के विषय में अज्ञान हो। तुम समझते हो कि तुम रावण हो, तीनों लोगों के स्वामी, परंतु तुम वो नहीं हो। माता के शब्दों से उसे आश्चर्य बोध हो रहा था। उसने गरजते हुए कहा, मैं बिजली की सृष्टि करता हूँ, वर्षा लाता हूँ, ग्रहों के गति को रोकता हूँ, मैं ही पूरे संसार को नियंत्रित करता हूँ। माता ने कहा, सब भ्रम है। तुमने ये भ्रम पैदा किया है कि तुम ये सब कर सकते हो, और अधिकांश तुम्हें विश्वास करते हैं। पर मैंने तुम्हारे मुखौटे से देखा है रावण, और जाना है कि मिथ्या के एक कपटपूर्ण तरंग में तुम बंद हो गए हो। रावण क्रोध से माता को बोलता है कि वो उनका जीवन ले सकता है। माता सिर हिलाते हुए बोली, तुम मेरा जीवन नहीं ले सकते हो। तुम ये शरीर ले सकते हो, पर ये शरीर वो नहीं है जो मैं हूं। क्या अभी तक तुमने इसका अनुभव नहीं किया है? इतने महीनों से मेरे शब्दों का किंचित प्रभाव भी तुम्हारे ऊपर पड़ा है। मैं तुम्हारा जीवन रक्षा नहीं कर रही हूं, क्योंकि इसके लिए विलंब हो गया है। पर मैं तो तुम्हें आने वाले समय से तुम्हें बचाना चाह रही हूँ। वास्तव में जो तुम्हारा घर है, जहां से तुम आए हो, वहां वापस लौटने में सहायता करने की चेष्टा कर रही हूँ। मैं तुम्हें जागृत करने के लिए कि वास्तव में तुम कौन हो, इसकी चेष्टा कर रही हूँ। जागो रावण, जागो की ध्वनि ने केवल ना केवल माता से बल्कि चारों ओर से आ रहे थे। रावण अवाक हो गया। माता ने सोचा वो पुराने स्मृति के कुछ क्षण रावण के आंखों के सामने लाने में सफल हो गई, और मौके का लाभ उठाते हुए उन्होंने कहा, अपार क्षमता को धारण करके तुम्हारा जन्म हुआ था, जिससे तुम मानवता के लिए बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे। तुम्हारा जन्म का उद्देश्य यही था। वर्षों की तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा पांडित्य, तुम्हारे वरदान, ये सब किसके लिए यदि समाज को इससे कुछ लाभ नहीं मिला? इसके जगह तुमने अपने लिए एक विकृत दुनिया बना लिया है, जिसका नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, तुम सोच रहे हो। पर सत्य में कोई यदि इस माया से बंधा हुआ है तो वो तुम हो रावण, वे नहीं जिनका तुमने नाश किया है। स्मृति का उस क्षण रावण के आंखों से धीरे धीरे धूमिल होने लगा, और फिर एक बार क्रोध से गरजते हुए वो वहां से चला गया। माता जानती थी कि उन्होंने एक द्वार खोल दिया है और बाकी के काम श्री राम को करना है।
हम जैसे जानते हैं कि श्री राम और माता के मध्य संपर्क हनुमान के द्वारा लाए गए मुद्दे का से स्थापित हो गया था, तो माता रावण के सैन्य शक्ति और रणनीति के बारे में जो जान रही थी उन्हें श्री राम को संचारित कर देती थी, और साथ साथ जो विनाश और संहार होने वाले थे उसके बारे में भी श्री राम को अवगत कराई। और इसीलिए अनेक कठिनाई के बाद जब राम लंका में पहुंचे, इस संघर्ष को रोकने का प्रस्ताव लेकर वो आगे आए, परंतु रावण अपने सैन्य शक्ति का घमंड दिखाते हुए श्री राम का उपहास करके उन्हें ललकारने लगा। अपनी अंतर्दृष्टि से माता ने देखा कि श्री राम लंका के तट पर खड़े होकर राज्य की तरफ अत्यंत दुख भाव से देख रहे थे, जो बहुत शीघ्र नष्ट होने जा रहा था। दोनों ही दल के सैन्य के पास बहुत शक्तिशाली अस्त्र थे, जो समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे सबको भीषण क्षति पहुंचा सकते थे। आगे का परिणाम को देखकर माता और श्रीराम दोनों के होठों से आह निकले। इस युद्ध के लिए दोनों को समन्वय रखते हुए श्रीराम को बाहर से और माता को भीतर से, अर्थात असुर साम्राज्य के भीतर रहकर अपने अपने भूमिकाओं को निभाने थे। जिस दिन युद्ध का आरंभ हुआ, आकाश में काले बादल ऐसे झूले हुए थे जैसे घने भीगे हुए जटाएं भूमि तक झूल रहे हों। केवल बिखरे हुए असंख्य तीर से ये विभाजित हो रहे थे, धरती में विस्फोट करते हुए, मृत्यु का गंध छोड़ते हुए ये युद्ध चलता रहा। कुछ दिन के युद्ध के उपरांत रावण के बहुत सारे सेनाध्यक्ष, यहाँ तक कि उसके पुत्रों और उत्तराधिकारी का भी मृत्यु हो चुकी थी। माता को बहुत कष्ट हो रहा था। मृत्यु चाहे किसी भी दल से हो, वे सारे एक ही जीव के अंश थे। एक दिन सूर्यास्त होने को आ रहा था, असुरी त्रिजटा दौड़ते हुए आकर माता को संदेशा दी कि लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है। माता ने इस बात पर अविश्वास किया, किंतु त्रिजटा ने कहा कि उसे ये संदेश युद्ध भूमि से मिला था। एक विषैले तीर जिसका कोई उपचार नहीं था, उसके आघात से ये दुर्घटना हुई। माता शीघ्र ही ध्यान में बैठी और अपनी दिव्य चक्षु से उन्होंने लक्ष्मण को पीड़ा से छटपटाते देखा। सूर्पणखा के वही शब्द जो उनके प्रिय देवर लक्ष्मण की निंदा करते हुए उनके लिए एक कष्टदायी मृत्यु की कामना में बोल रही थी, माता के मन में आया। श्रीराम लक्ष्मण के पास बैठकर उनके चेहरे को औषधि से डुबाया हुआ एक कपड़े से पोंछ रहे थे। माता ने देखा एक वैद्य हनुमान को संजीवनी बूटी लाने का निर्देश दे रहे थे, जो इस विष को काटने का एकमात्र औषधि है, किंतु वो औषधि हनुमान को कुछ ही घंटों में लाना था, अन्यथा उसका कोई मूल्य ना होता। समय बहुत महत्वपूर्ण था। माता को अपने जीवन काल में केवल एक बार अपना क्रोध दिखाया था, जब रावण ने उन्हें अपहरण करते समय उनकी कलाई से पकड़कर विमान में बिठाया था, और अब माता दूसरी बार बहुत क्रोधित हो गई थी। माता ने अपना शरीर छोड़ दिया था और लक्ष्मण के पास पहुंच गई थी। वो लक्ष्मण की सहायता करना चाहती थी, परंतु अपने स्थूल शरीर में वो ना होने के कारण कोई उन्हें ना देख पा रहा था ना सुन पा रहा था। हनुमान के आने तक कैसे लक्ष्मण को जीवित रखा जाए, इसका उपाय माता खोज रही थी। तब उन्होंने एक छाया रूप को आते देखा। वे पहचान गईं कि ये मृत्यु के देवता यमदेव थे, जो लक्ष्मण की आत्मा को लेने आए थे। प्रखर वायु जो यमदेव के आगमन का सूचक था, उसे चीरते हुए, उन काले बादलों को दूर हटाते हुए जो धीरे धीरे लक्ष्मण के शरीर को निगलते जा रहे थे, माता यमदेव और लक्ष्मण के मध्य खड़ी हो गई। लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए अपने बाहें फैलाते हुए माता रोते हुए बोली, आप इन्हें नहीं छुएंगे। यमदेव ने उत्तर दिया, उनका समय आ गया है माता, आप हट जाइए। जब माता ने मना किया, यमदेव विनती किए, मैं आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता माता, मुझे अपना कार्य करने दीजिए। ये उनका कर्म फल है एक नारी को विकृत करने का, जो उनके लिए कोई विपत्ति खड़ा नहीं कर रही थी, और ये उन समस्त असुरों को मारने का भी फल है। राम को भी इस महासंग्राम में कुछ बलिदान देना होगा। माता बोली कि जो कुछ लक्ष्मण ने किया था वो उनके बचाव के लिए था। यमदेव बोले, प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया होती है, और ये लक्ष्मण का प्राप्य है।
उनका निर्धारित समय समाप्त हो गया है और मुझे उन्हें ले जाना उचित है। माता बोली, आपको इन्हें लेने से पहले मुझे लेना होगा। और माता और यमदेव के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया था। ये संघर्ष सारी रात चला। किसी भी दिशा से यमराज लक्ष्मण तक पहुंचना चाहते और माता शीघ्र ही सामने आ जाती। वो बार बार बोल रही थी कि लक्ष्मण को लेने से पहले उन्हें लेना पड़ेगा और यमदेव उन्हें ये कह रहे थे कि उनका समय नहीं आया था। अंत में यमदेव बोले, मैं लक्ष्मण को छोड़ दूंगा, किंतु बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा। माता इस संघर्ष से थक गई थी तो अपनी सहमति दे दी। यमदेव ने कहा, मैं आपकी आयु से कुछ वर्ष लेकर लक्ष्मण की आयु के साथ जोड़ दूंगा। माता जैसे ही इसमें सहमति दी, यमदेव वहां से अदृश्य हो गए। माता ने जब एहसास किया कि हनुमान अभी किसी भी समय उस पवित्र संजीवनी बूटी लेकर आने वाला होगा, माता भी वहां से अदृश्य होकर अपने स्थूल शरीर में प्रवेश की। कुछ समय पश्चात अशोक वृक्ष के नीचे घास पर अपने आप को गिरा हुआ पाई। तब भोर बेला समाप्त होने को आ रहा था। त्रिजटा माता के पास खड़ी होकर उन्हें चेतना में लाने की चेष्टा कर रही थी और बोल रही थी कि लक्ष्मण पुनर्जीवित हो गए हैं। सोमा बोली, माता ने हनुमान को बताया था कि वे नहीं जानती थी कि यमदेव के साथ उनका युद्ध स्वप्न था या वास्तवता। लक्ष्मण का जीवन रक्षा हुआ वही महत्वपूर्ण था। पर हनुमान ने मुझे कहा था कि जब वो संजीवनी बूटी लेकर पहुंचे थे और उसके उपचार से लक्ष्मण ने आंखें खोले थे, श्री राम को सबसे पहले उन्होंने यही पूछा था कि सीता कहाँ है। जब श्री राम ने बताया कि वो अभी भी रावण के कब्जे में है, लक्ष्मण सिर हिलाते हुए बोले थे, नहीं, ये संभव नहीं है, मैंने उन्हें यहाँ पर सामने खड़े होते देखा था। और इस प्रकार हनुमान जान गए थे कि वास्तव में यमदेव और माता के मध्य युद्ध हुआ था। वो घटना माता के लिए एक नया मोड़ था। उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी, पर युद्ध लगभग समाप्त हो गया था। इस घटना के विषय में हनुमान के अतिरिक्त कोई नहीं जानते थे। जब माता ये संसार छोड़ रही थी, तब पार्वती माँ ने इस घटना के बारे में श्री राम को बताया था। सोमा बोली, जब मैंने माता को इस घटना के बारे में पूछा तो वो मौन रही और बोली कि उन्होंने वही किया जो कोई भी माता अपने पुत्र के लिए करती। ये बताते हुए सोमा अपने अश्रुओं को बहने से रोक नहीं पा रही थी। स्वयं को संभालते हुए वो बोली, माता के विषय में कितना कुछ है जो कोई नहीं जानते। उनके कार्य संसार से अनदेखे रह गए थे और इससे भी वे संतुष्ट थे। उन्होंने मुझे कहा था कि इस संसार को संरक्षित रखने का वास्तव कार्य मानवता के देखने और सुनने से परे होता है। अनुसया की माँ जब सोमा को विश्राम करने के लिए बोली, तो सोमा बोलने लगी, हम लगभग कहानी की समाप्ति की ओर हैं। माता के बलिदानों की कहानी की ये शेष भाग अभी समाप्त कर दूंगी। ये कहकर सोमा कहानी में आगे बढ़ी। दोनों ओर की सेना को बहुत क्षति पहुंची थी और साथ साथ वन्य प्राणी और पेड़ पौधे, सामुद्रिक जीवन और सभी जीवों को भी भारी क्षति पहुंची थी। अब श्री राम को रावण का सामना करने का समय आ गया था। माता ने रावण के वास्तव रूप की जानकारी श्री राम को नहीं दी थी, क्योंकि ये श्री राम के लिए बाधा बन सकते थे। पर श्री राम अंतर ज्ञान से उसके विषय में जान गए थे। ये कार्य उनके लिए बहुत कठिन था, पर अपने भक्त को इस माया से मुक्त करना उनके लिए अनिवार्य हो गया था। माता ने रावण के मन को जागृत करने का काम पहले से ही आरंभ कर दिया था। उसका मानसिक क्षमता, विवेक, तीक्ष्ण बुद्धि सब क्षीण होने लगे थे महीनों की निद्राहीनता के कारण। अब राम को कार्य पूरा करना था। अंत में वो प्रभु श्री राम का प्रेम था जिससे रावण का अंत हुआ। जब वे दिन रात युद्ध कर रहे थे, श्री राम ने देखा कि कैसे माता ने रावण की उसके बनाए जटिल माया जाल से उसको निकालने का कार्य किया है। माता ने इस घटना को इस प्रकार वर्णन किया था। वे ध्यान में बैठी थीं, उन्होंने एक विस्फोट को अनुभव किया जिसमें प्रेम की असीम प्रवाह उनको छूकर बह गया, जैसे सबसे स्फूर्तिदायी जल का फुहार हो। वो आनंदमय अवस्था में बैठी रही, धीरे धीरे आंखें खोली और देखी कि प्रेम के तरंग चारों ओर बह रहे थे। उन्होंने ये महसूस किया कि वो प्रेम तरंग श्री राम से आ रहा था।
राम ने अपना अंतिम तीर छोड़ने से पहले कुछ क्षण खड़े होकर रावण की आत्मा को झांके और उसे उसके सारे माया से मुक्त किए। प्रेम की धारा को उसके ऊपर निक्षेप करके उनका अंतिम वार किया, जिससे रावण माया के जिन 10 घातक लक्षण से बंदी बना था उसको जड़ से नष्ट किए। रावण जब धराशायी हो गया, वे दोनों बात किए। गहरी विनम्रता से रावण ने श्री राम से पूछा कि क्या अब वो अपने वास्तव घर में यानी वैकुंठ में लौट सकता था। श्री राम दुखी होते हुए बोले कि यदि भी उन्होंने उसके अधिकांश कर्म को खंडित कर दिए थे, संपूर्ण मुक्ति के लिए उसे और एक जन्म लेना था और लालसा अहंकार को संपूर्ण नाश करने का निश्चितता करना था और वो अंतिम चेष्टा उसे स्वयं को करना था। माता ने जान लिया था कि उसे इस अंतिम जन्म लेने के लिए सदियां लग जाएंगे और उससे भी अधिक समय दिव्य लोक में स्वीकृत होने के लिए लगेगा। माता जान गई थी कि युद्ध समाप्त हो गया था। उसी क्षण ही उनके शरीर में अमृत का प्रवाह भी बंद हो गया था, जिससे वे इतने महीनों से जीवित थीं। माता जैसे ही ध्यान से उठी, प्रेम के तरंग के बदले भीषण अग्नि से उनका शरीर घिरा हुआ था। उनकी तपस्या की गर्मी से अग्नि उत्पन्न हो गई थी और इस प्रकार श्री राम और अन्य सभी उन्हें एक अग्नि के पात्र में बैठा देख रहे थे। अग्नि में जीवित जल जाने की शंका में लक्ष्मण माता की ओर दौड़ने लगे। तब श्री राम ने लक्ष्मण को रोका। आश्चर्य से वो इस दृश्य को देख रहे थे और बोले, इस स्थान के समस्त अशुद्धियों को और इस युद्ध के प्रभाव को वो निगल रही हैं, धारण कर रही हैं। ये अग्नि उनकी तपस्या की अग्नि है, इसे जल जाने दीजिए। उसके बाद अग्नि माता के शरीर के भीतर समा गया। उस समय जो पवित्र अग्नि को माता ने अयोध्या के महल में स्थापित किया था, वो भी बुझ गई। निरंतर जलने वाली सोमा ने कहा कि 14 वर्ष से निरंतर जलने वाली अग्निशिखा जब बुझ गया, उस समय वो उसकी रखवाली कर रही थी, तो वो जान गई थी कि या तो ये विजय था या मृत्यु। सोमा बोलती गई, लंका में माता के शरीर में जब अग्नि समा गई थी, उन्होंने राम की उपस्थिति को अनुभव किया और उन्हें देखने के लिए आंखें खोले। खुशी से जब माता उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई, उनके सामने दुनिया घूम रही थी और वे अचेत होकर भूमि पर गिर गईं। क्योंकि कई दिनों से वे खड़ी नहीं हुई थी और अमृत का प्रवाह भी बंद हो गया था, बिना आहार और जल के वो दुर्बल हो गई थी। श्री राम को भी अपने क्षतों के लिए उपचार की आवश्यकता थी और युद्ध से उनकी भी शक्ति क्षीण हो गए थे। फिर भी उन्होंने माता को उठाकर लंका के महल में लिया और दिनों तक उनके पास बैठकर उनके मुंह में बूंद बूंद पानी डालते गए। अंत में माता चेतना में आई और प्रतिज्ञानुसार पहला भोजन मंदोदरी के हाथों से ग्रहण किए और बोली कि उन्हें यानी मंदोदरी को पूरे क्षेत्र की उपचार करनी है। सबको भोजन कराकर लंका छोड़ने से पहले माता और मंदोदरी मिलकर भोजन बनाकर सभी लंकावासियों के लिए एक भोज का आयोजन किया। लोगों को भोजन कराना माता के लिए उनके प्रेम को व्यक्त करने का तरीका था और लंका में अपना उनका अंतिम कार्य के रूप में वे उस पवित्र अशोक वृक्ष को प्रणाम कर उनको आश्रय देने के लिए और अपने कष्ट समय में उनके साथी बनने के लिए श्रद्धांजलि दी। इतना कहकर सोमा चुप हो गई और आंखें खोलकर देखी तो उसकी कुटिया तपस्वियों से भर गई थी। इतनी देर से कहानी सुनाने के कारण उन्हें भोजन न करा पाने के लिए क्षमा मांगी और कुछ भोजन बनाने के लिए तत्परता दिखाई तो तपस्वियों ने सोमा को रोकते हुए कहा, आज रात को नहीं सोमा, हमारा शरीर संतुष्ट है क्योंकि तुमने हमारे आत्मा को पोषण देकर संतुष्ट कर दिया है। अनुसया और उसकी माँ भी वहां से प्रस्थान कर गुरु आश्रम में विश्राम करने चले गए। तो मित्रों, ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।